welcome to my channel. और आज का वीडियो होने वाला है another try on haul, जिसमें हम पहुंच गए हैं इस बार shein.com पे. मतलब कोई सी भी इंडियन वेबसाइट नहीं है, डायरेक्ट आउट ऑफ इंडिया. चलिए देखते हैं. आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड अनदर शीन का हॉल मैंने किया हुआ है, उसका लिंक आपको एवरन में मिल जाएगा. जस्ट इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो वाला भी देख सकते हैं. इस बार मैंने पिक करी है कपल ऑफ थिंग्स ऑब्वियसली. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले बैग दिखाती हूँ आप. ओके, सो दिस इज द बैग एंड ऑब्वियसली इसमें है शू. अब समझ में आ गया होगा, पेयर ऑफ शूज. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. और हाँ, सबसे पहले कैसे करेंगे अपन हॉल, ऐसे करेंगे कि फर्स्ट आई टॉक अबाउट द क्लोथ्स एंड देन मैं कपड़े पहनूंगी एंड देन अगेन वी टॉक अबाउट द क्लोथ्स, ताकि आपको बेटर आइडिया लगे. कोई भी एडिटोरियल में कुछ भी ऐसा फोटोजेनिक ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रही. लेट इट बी रियल दिस टाइम. ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी. चलिए स्टार्ट करते हैं. राइट, सो फर्स्टली आई हैव दिस बेल स्लीव्स बर्गंडी इन कलर, आई मीन रेड इन कलर, बैक कट आउट बेबी डॉल पेंपलम स्टाइल टॉप. सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है. इसकी जो स्लीव्स हैं वो कुछ ऐसी हैं. और वन सेकेंड, ये इसका बैक कट आउट का जो मैं आपको बता रही थी ये वो है. और दिस इज सुपर सॉफ्ट, लेट मी टेल यू, दिस सुपर सॉफ्ट. इसका जो मटेरियल है वो है पॉलिस्टर. इसको किसी तरह से वॉश कर सकते हो, कहीं नहीं जाएगा. लेट मी जस्ट वेयर दिस टॉप नाउ. एंड यस, सो दैट इज हाउ दिस टॉप लुक्स लाइक. आई मीन लुक एट द फॉल, लुक एट द टॉप. मटीरियल इज सो सॉफ्ट, यू कैन एनी वेज, यू नो, डे टाइम में पहनो, रात में पहनो, बी इट एनी सीजन, कहीं भी आप पहन सकते हो. दिस टॉप लुक सो गुड. अभी मुझे लग रहा है हल्का सा लूज है मेरे लिए, बट आई एम नॉट गोना गेट इट ऑल्टर्ड. वाई? बिकॉज आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ फॉल. काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहता है. ओके, सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई मीन लुक एट द स्लीव्स, कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है. एंड बैक पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देयर इज अ कटआउट थिंग विच इज स्टनिंग. अनदर थिंग आई हैव इज दिस एम्ब्रॉयडरी योकन काफ प्रिंटेड ट्रिम्ड फ्रिंज ब्लाउज स्लैश टॉप, जो भी आप उसको बोलना चाहें. सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसके यहाँ पे एक हुक भी दे रखा है, सो यू कैन अटैच इट, डिटैच इट, जो भी आप जिस भी तरीके से आप उसको बेस पहनना चाहते हैं. अभी मैंने इसको पीच कलर के टैंक टॉप के साथ में वेयर किया हुआ है. इट इज लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड आई वाज वेयरिंग द अदर डे दिस टॉप इन वन ऑफ माय वीडियो एंड यू गाइस वर आस्किंग कहां से है ये टॉप, कहां से है. सो इट इज फ्रॉम shein.com. सो इसका जो बैक है ये कुछ इस तरीके का दिखता है. इट हैज ऑल्सो दिस यू नो स्ट्रिंग गोइंग ऑन द बैक साइड, जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश बनाती है. टोटली लव दिस पीस. सुपर कंफर्टेबल है ये पहनने में. और ये है स्ट्रेची, सो मतलब अगर आपका साइज हल्का फुल्का आपको उधर उधर भी हो जाता है तो भी आपको ये बहुत परफेक्टली फिट हो जाने वाली है. एंड आई डोंट थिंक मुझे इसमें साइज में कुछ भी चेंजेस कराने की जरूरत थी. माई साइज इज एम एंड इट फिट्स मी सो सो वेल. टू बी माई फेवरेट आउटफिट फ्रॉम दिस हॉल, दिस वन इज दिस लेस मैश प्लेटेड इवनिंग गाउन काइंड ऑफ अ ड्रेस. दिस ड्रेस इज एक्चुअली सो 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 प्रेशियस. I mean, I can actually feel and talk about it freely कि ये कितना ज़्यादा comfortable लग रही है ये वाली dress. It is very very lightweight first of all. और इसका जो flare है आप देख सकते हैं. I mean, I am just loving it so much. इसका जो fall है वो इतना खूबसूरत है, कहीं नहीं जाने वाली. 100% polyester है, किसी भी तरीके से आप उसको wash कर सकते हैं. You need to be careful about this lace thingy on the sleeves, क्योंकि आप केयरलेस हो गए ना तो ये कहीं पे चाबी वगैरह में लग के अटक के फट जाएगी ऑब्वियसली. सो दिस हैज दिस हाई नेक और हाई वेस्ट है. और यहाँ पे जिप भी दी हुई है, जस्ट इन केस अगर आप उसमें आ नहीं पा रहे हो, आ जाओ उसके बाद में इसको चढ़ा देना. दिस विल गिव यू परफेक्ट शेप टू योर बॉडी. और या दैट्स पास ये पेयर ऑफ वेजेस, जो कि हाई हील्स हैं, क्रिस क्रॉस पैटर्न है इनका. इनका जो अपर सोल है वो है रबर का, जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल है. और जो इनका प्लेटफॉर्म है, मतलब जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं, वो है मेड आउट ऑफ वेलवेट, जो कि बहुत ज्यादा सुपर सॉफ्ट लगता है टू टच एंड टू वेयर. और क्योंकि यह है प्लेटफॉर्म हील्स, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. एंड दिस क्रिस क्रॉस थिंगी ऑन द टॉप, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा सेक्सी बनाती है. आई मीन लुक एट दैट, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है एंड कंफर्टेबल एट द सेम टाइम. नेक्स्ट इज दिस रिप्ड कफ जीन्स, जिसका जो मटेरियल है वो है डेनिम और इसकी वेस्ट है मेड. इसका ये हल्का सा स्टाइल क्रॉप्ड है, आई मीन इट इज क्रॉप्ड फ्रॉम द बॉटम. और इसका जो फिट है वो कुछ इस तरीके का है. एंड आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट फिट फॉर माई सेल्फ एंड आई डोंट नीड टू गेट इट ऑल्टर्ड बाई एनी चांस. और इसमें जो मेरा साइज है वो है मीडियम एंड इज सुपर 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 सॉफ्ट एंड सुपर कंफर्टेबल टू वेयर. डिड यू नोटिस एक बहुत ही वियर्ड चीज हुई है, मैंने इस वीडियो को स्टार्ट किया था विद अ कुर्ती एंड आई एम फिनिशिंग इट ऑफ विद अ टॉप.
एनीवेज यूट्यूबर की लाइफ में ये सब कुछ होता रहता है. जोक्स अपार्ट, जो भी सारे प्रोडक्ट्स मैंने मेंशन किए उनके सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. डू चेक इट आउट विद देयर प्राइस एंड एवरीथिंग. सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, इनफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज प्रोडक्ट्स. और हाँ, आपको एक और चीज करनी है, डू लेट मी नो अगर आप इन इस टाइप के और भी वीडियोज चाहते हैं. और एक और चीज बतानी है, इस पूरे सेक्शन में आपकी फेवरेट चीज कौन सी थी कॉमेंट सेक्शन में बता देना. ड्रेस, शूज या जीन्स, जो भी अच्छा लगा. मेरी जो फेवरेट है वो है ये हील्स. मुझे बाकी चीजें भी अच्छी लगी, बट दीज आर माई मोस्ट फेवरेट आउट ऑफ दिस हॉल. आपकी फेवरेट चीज आप मुझे बताना. चलिए, मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब.